सध्या देशातल्या काही राज्यांमध्ये निवडणुकांचं वातावरण आहे. या राज्यांपैकी महत्वाचं राज्य ते म्हणजे उत्तर प्रदेश. आणि याच उत्तर प्रदेशात प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजवादी पक्षाच्या चिन्हावरून वक्तव्य केलं आणि विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. खरं तर निवडणुकीच्या रिंगणात कोणताही मुद्दा हा आरोप प्रत्यारोपांचा असू शकतो, ठरू शकतो, पण मोदींनी थेट समाजवादी पार्टीच्या सायकलवरूनच वक्तव्य केल्यानं विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेले आहेत. पाहूयात याचाच आढावा घेणारा हा एक स्पेशल रिपोर्ट. यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, जो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजवादी पक्षाची सायकल आणि अतिरेक्यांचा चॉईस यांची सांगड घातली आणि हे काय लॉजिक आहे असा सवाल उपस्थित करत अखिलेश यादव यांनी एक ट्विट केला. खेत और किसान को जोडकर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकल. सामाजिक बंधनों को तोड़कर बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकल. महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकल. साइकल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है. साइकल का अपमान पूरे देश का अपमान. देखिए, जनता के पास के सामने बहुत परेशानियां हैं, बहुत ही मुश्किलें हैं, संघर्ष है. तो बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए. तो मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांट कर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं. अहमदाबाद मध्ये 2008 साली 70 मिनिटात 21 स्फोट झाले, 20 जागांवर साखळी बॉम्बस्फोट झाले, 56 लोकांचा मृत्यू झाला, 240 जण जखमी झाले, 19 दिवसात प्रकरण तडीला गेलं, 78 आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला, 1100 लोकांचा जबाब नोंदवला गेला, 13 वर्षानंतर निकाल आला आणि 38 जणांना एकाच वेळी फाशी जाहीर झाली. त्यामुळे अशा गंभीर प्रकरणातही मोदींनी निवडणुकीचं राजकारण करू नये असा विरोधकांनी सूर लावला. देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास कुछ और कहने को नहीं है. प्रधानमंत्री जी बताएं इस बात को, क्या 2 करोड़ रोजगार मिले हर साल? अब तक 8 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला. प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था महंगाई कम करने का, आज जवाब दें कि पेट्रोल का दाम कहां पर है, डीजल का दाम कहां पर है, सिलेंडर का दाम कहां पर है. इतकंच नव्हे तर समाजवादी पक्षासह अनेक नेत्यांनी नरेंद्र मोदींची जुनी वक्तव्य काढून सायकल साठी मोदीच किती आग्रही होते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. क्या हम ये तय हमारे युवा को प्रेरित कर सकते हैं कि भाई संडे हो, संडे ऑन साइकिल मान लीजिए. हो सकता है कोई ये भी कह देगा कि मोदी अब साइकिल कंपनियों का एजेंट बन गया है. ये बड़ा दुर्भाग्य देश का, पता नहीं कौन क्या है इसका हर चीज का अर्थ निकालता है. या देशात निवडणुकीचा मुद्दा काही ही असू शकतो, निवडणूक जिंकणे हे एकमेव ध्येय समोर असेल तर सायकल ही असू शकतो. भाजपच्या याच पवित्र्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.